हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं खा रही हूँ आलू की टिक्की, एंड आलू की टिक्की उसके साथ हल्की सी सॉस लगाई है। यह है आलू साबूदाने की टिक्की, यम लगती है। मतलब समझो, इसको अगर आप ब्रेड के अंदर डाल के खाओ तो बहुत ज़्यादा यम लगती है। भाई के चैनल के ऊपर भी रेसिपी इसकी डाली हुई, एक्चुअली मैंने वहीं से देख के बनाई है। मेरे भाई का यूट्यूब का चैनल है मिस्टर बग्गा किचन, नहीं सब्सक्राइब किया अगर आप नहीं जानते हो। जो लोग मेरे साथ नए नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप जाके जरूर सब्सक्राइब कर, आपको हर एक कुकिंग की अच्छी अच्छी आपको डिशेज मिल जाएंगी, बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं तो रेयरली कभी कुकिंग करती हूँ, कुकिंग मैं ही करती हूँ घर पे, लेकिन शूटिंग नहीं मैं करती क्योंकि मैं इतना टाइम ही नहीं मैनेज कर पाती। खा लूँ मैं पहले। आवाज सुनिए आपको, इतनी क्रंची मजा आ गया। वो बात अलग है, मैं अभी वेट गेन कर रही हूँ, किया मैंने, थोड़ा सा लूज कर लेती हूँ, फिर कर लेती हूँ। इधर 2-4 दिन इतनी मेहनत की ना, घर का काम, वीडियोस, कोलैब वीडियो। आप लोगों ने कोलैब वीडियो देखी कि नहीं देखी? प्लीज आप जाके जरूर देखो। पास द ब्रश चैलेंज भी हमने किया है, कोलैब वीडियो थी, और ये वाली जो कोलैब वीडियो थी ये थी कलर फोटोशूट चैलेंज वाली। तो प्लीज आप जाके जरूर चेकआउट करो, दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट से आप ये वाली रेसिपी देखें, साथ साथ में मैं पी रही हूँ अपनी चाय। आरव वीडियो के अंदर इसलिए नहीं, आई नो आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हो आरव को, मुझे भी अच्छा लगता है अच्छे अच्छे कॉमेंट्स पढ़ के, क्योंकि सुन रहे हो आपको आवाजें, शाम का टाइम है, आपको आवाजें सुन रही है। 5-6 बच्चे ऊपर छत के ऊपर इकट्ठे हुए पड़े हैं, एंड वो नहीं आएगा, वो मुझे पहचानेगा भी नहीं। समय खा पी के अपना गया हुआ है, आ गया, क्या करने आया है? यार पॉलिथिन के साथ इन्होंने पता नहीं धागा बांध के लटका रहे थे, देखो बच्चे यही काम करेंगे ना, ठीक है ना। ये देखो मैं मारना आ रहा हूँ, चंड इधर आ रहा। गाइज इसको कोई मतलब, मैंने बोला ना नहीं सुनेगा मेरी बात, अभी इधर आ, तो समझ नहीं आ रही, वीडियो चलाई हुई है मैंने, हाय तो बोल दे। हेलो। अब रुक, मुझे था मैं अपनी खा लूँ, उसके बाद ऊपर जाके इसको बिठा के खिलाऊंगी। देख रहे हो आप इसको, इसको कोई मतलब नहीं, इसको कोई होश नहीं है, मुंह खोला है, कोई मतलब नहीं है, मैंने बोला ना अभी दूसरी दुनिया में है। कैसी बनी है रहा? चलो गाइज आप रेसिपी देखो, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, अभी नहीं, वो अभी उसको है मैं जाऊँ जल्दी जाऊँ खेल लूँ। पता है सारा दिन तो धूप रहती है, 6 बजे के बाद मैंने इसको अलाउड किया कि तू छत पे जाएगा 6 से लेके 8 बजे तक, 2 घंटे बस, क्योंकि 8 बजे अंधेरा हो जाता है, फिर सब अपने अपने घर हो जाते हैं। ये सारा कोई इधर वाला बच्चा है कोई इधर वाले, बस यही 2-3 घरों वाले ही बच्चे हैं, और कहीं दूर दूर वाले नहीं होते, बस यही आसपास वाले हैं, नहीं तो पागल हो जाएंगे बच्चे। आपको पता ही है लॉकडाउन डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, बाई द वे शायद फिर से लॉकडाउन इंक्रीज हो गया। एनीवेज, गंदी आदत है मेरी, कहाँ से बात कहाँ लेके जाती हूँ, बट आई लव टॉकिंग विथ यू गाइज, मुझे मजा आता है आप लोग से बात करने का। मतलब मैं बांध दू इसको, रुको बांध देती हूँ। ओके गाइज आप रेसिपी देखो, ठीक है, एंड मैं साथ साथ में खा भी लेती हूँ। ब्रेड के अंदर डाल के, और जो भी आपने वेजीज वगैरह आप डालते हो वो डाल के आप खा सकते हो। गाजर इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है, ग्रेट की हुई, बट थी नहीं घर पे। चलो आप रेसिपी देखो, बाय गाइस। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल वाली रेसिपी है, तो सबसे पहले हमको चाहिए एक साबूदाना। ओ यार, मतलब साबूदाने का पैकेट है, देखो अभी वीडियो शुरू नहीं की, पहले ही मैंने ब्लूपर कर दिया। एक कटोरी साबूदाना चाहिए, ये यहाँ पे शॉप्स है सुबह और शाम को खुलती हैं थोड़ी देर के लिए, बस खाने पीने वाली जो शॉप होती है ना वो, तो मैंने हस्बैंड से मंगवा लिया था ये वाला साबूदाना। और इसमें मैं डालूंगी पानी, अब डाल के उसको थोड़ी देर के लिए रख देना साइड में। एक कटोरी मैंने साबूदाना लिया है, आप कम ज्यादा भी कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये है आलू, पोटैटोज आप बोलोगे इतने सारे इसने बॉईल कर लिए, अरे भैया वैसे ही बॉईल कर लिए, मुझे लगा चलो कई बार पड़े होते तो कुछ बन ही जाता है, कई बार आलू की रोटी बन जाती है, परांठी बन जाती है। बॉईल मैंने कर लिया, छील लिया मैंने इनको, और मैंने थोड़े से कम छीले हैं, ज्यादा तो नहीं छीले, 2-4 छोड़ दिए थे वैसे पोटैटो मैंने। मैंने बोला चल देखती हूँ बाद में उसका, कुछ जीरे वाले आलू भी बन जाते हैं ना अगर बॉईल पोटैटो पड़े हो तो। बस अब मैं इसको मैश करूंगी, आलू ठंडे हो चुके हैं,
एंड आप मैशर भी यूज कर सकते हो, लेकिन आलू ठंडे हो गए थे तो मैंने सोचा हाथ से ही कर दूं। ये बीच में जो आलू का टुकड़ा उड़ के गया ना अभी, वो इसलिए उड़ के गया क्योंकि वो अभी थोड़ा सा बीच में कच्चा था वो वाला आलू, बाकी सब पक गए थे, बस एक थोड़ा सा ज्यादा ही ड्रामे कर रहा था पका नहीं था ढंग से। इतनी गंदी वॉइस ओवर करती हूँ ना यार मैं, सीरियसली। यहाँ पे ना मैं इसको ड्रेन कर रही हूँ, साबुदाना को पानी उसका सारा निकाल दिया, एंड ये फूल के देखो गुप्पा हो गया एकदम, जैसे मैं आजकल फूल ही बड़ी हूँ ना खा खा के। अरे क्या करूँ, इतनी मेहनत की थी ना तो मेरा मन कर रहा था मैं अपने आप को थोड़ा सा रिवॉर्ड दूँ, कुछ अच्छा सा बना के, कुछ अच्छा सा खा के, तो इधर बहुत मेहनत की। ओके मैं क्या कह रही थी, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लो, जो थोड़ा सा साबुदाना बच गया ना उसको भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर, बिकॉज आई लव साबुदाना, जो आता है ना मुंह में इतनी क्रंची क्रंची बन जाता है। नमक डालो अंदाजे से डालो यार, एक डेढ़ चम्मच आपका नमक डल जाएगा, आधा चम्मच आपकी रेड चिल्ली डल जाएगी, और कुछ इसके अंदर मसाला नहीं डलता है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा डाल दो तो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। नमक दानी आपको खाली इसलिए लग रही है क्योंकि भैया उसको कल ही धोया था सुखा के, बाकी के जितने मसाले ना खत्म हो गए थे उसमें, तो अब मैं उसको डाल लूंगी, इसलिए आपको एकदम साफ साफ सी नजर आ रही थी। मिक्स कर लो अच्छी तरह से, और कुछ आपको डालने की जरूरत नहीं है, बाइंडिंग के लिए आराम से बाइंडिंग हो जाती है। अभी मैंने हाथ के ऊपर हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगाया था, कोई भी आप ऑयल लगा सकते हो, ऑलिव ऑयल ये वो जो भी आपको अच्छा लगता है, मोवला ऑयल लगा सकते हो। बस अब मैं इसके आलू की टिक्कियों की इसको शेप दे दूंगी, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, एकदम सही सही वाली इसकी शेप आप दे दो। एंड एक टाइप में मैं 5 टिक्कियां कर डाल देती हूँ। ये शैलो फ्राई वाली, ये मेरी फ्राइंग पैन है, शैलो फ्राई करता है। ये है पिजन नहीं, प्रेस्टीज ब्रांड का है शायद, अमेजोन से लिया था, 3 का सेट लिया था। जो लोग मुझे पता नहीं रेगुलर फॉलो करते उनको पता होगा, मैंने अपने किसी ना किसी हॉल में दिखाया था अमेजोन हॉल में 1-1.5 साल पहले, तो बहुत अच्छा लगा फ्राइंग पैन, मुझे काफी पसंद आया, इसकी शेप मुझे बड़ी पसंद आती है। ओके मैं इसको अपने मीडियम टू हाई के बीच बीच रखना है। एक यहाँ पे जो आपको साइड में टूटी हुई नजर आ रही है ना, वो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि उसको मैंने जल्दी पलटने लगी थी बहुत जल्दी, इसको इतनी जल्दी मत पलटना, थोड़ा सा आप इसको ना हल्का सा ब्राउन होने देना, इसकी शेप पकड़ने देना। मैंने इधर वाली टिक्की की शेप पकड़ने नहीं दी और मैंने फटाफट से उसको पलटने की तो बेचारी टूट गई बीच में से, नाराज हो गई होगी मेरे से टिक्की भी। तो चलो मैंने इसको पलट दिया एंड मीडियम रखना, ठीक है। देख लो कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, एकदम क्रिस्प क्रिस्प बनती है। इट्स नॉट हेल्दी, हेल्दी वाली तो डिश ये बिल्कुल भी नहीं, इतना सारा तेल है आलू है, बट मैं क्या करूं, मेरा बड़ा मन कर रहा था बनाने का भी और आप लोगों के साथ भी शेयर करने का। जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मा बनाया करती थी कई बार शाम को, तो बड़ा मजा आता था। हायर मम्मी के हाथ का खाना खा, अभी पता 1 साल हो गया मतलब। ओके आप देख लो यार, आलू की टिक्की एकदम रेडी हो गई है, एकदम गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया। आप इसको थोड़ा सा ऐसे चिमटे के साथ दबा दबा के ना आप इसको निकाल लो, जो भी इसका एक्सेस ऑयल होगा वो रिमूव हो जाएगा, एंड फिर आप इसको टिश्यू के ऊपर रख दो। ये मैं अपने पति देव की प्लेट लगा रही हूँ जो उधर बैठे वेट कर रहे हैं, अभी इनकी प्लेट लग चुकी है। एंड ओके उन्होंने जो मैंने दी तो उन्होंने बोला टिक्की तो स्वाद है लेकिन ये फुंसियां जो उधर क्यों है 10 पला। अब बंदे यारों कुछ पता ही नहीं लग जाएगा, मतलब ये फिंसियां लग रही है, मतलब हद दे यार, साबुदाना डाला था इतना स्पेशली मंगवा के, ओहो बंदों का कुछ नहीं हो सकता, इतना टेस्टी बनी थी हर बात में अपनी जोक मारने लग जाते हैं। ये देख लो गाइस थोड़े से ब्यूटी शॉट्स मेरे आलू की टिक्कियों के, हमारे भी ब्यूटी शॉट्स होते हैं इनके भी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, लव यू। वीडियो